हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विचित्र जगत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला आइलैंड के बारे में। ये है सेंटा क्रूज डेल आइलैंड और ये कोलंबिया आइलैंड के उत्तरी भाग में स्थित है। ये आइलैंड 2.4 एकड़ में फैली हुई है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस छोटी सी आइलैंड में कुल 115 परिवार है, जिसमें 1200 लोग रहते हैं। सेंटा क्रूज डेल आइलैंड से जुड़े और भी मज़ेदार बातें जानेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी देखने मिले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेंटा क्रूज डेल आइलैंड में रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब 150 साल पहले कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस आइलैंड पर आए थे और वो लोग रात भर उसी आइलैंड पे रुके थे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक भी मच्छर नहीं है और वो लोग बड़े आराम से इस आइलैंड पे रहे, इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए इस आइलैंड पे रहने का फैसला कर लिया। अब उस आइलैंड पे 115 परिवार के साथ दो दुकान, एक रेस्टोरेंट, एक स्कूल जिसमें एक ही टीचर शामिल है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग मछली पकड़ के दूसरे आइलैंड पर जाकर बेचते हैं या फिर आसपास के रिसॉर्ट में काम करके अपना गुजारा करते हैं। इस आइलैंड पर ना बिजली की सुविधा है और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिलती है। बिजली के लिए वे एक सिंगल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें हर रोज़ कुछ घंटे बिजली मिल जाती है और कोलंबियन नेवी यहाँ पे पीने का साफ पानी पहुँचाता है। लेकिन उस आइलैंड पर एक भी डॉक्टर नहीं है और बाकी खाने पीने का सामान उन्हें कोलंबिया से लाना पड़ता है। फिर भी यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे सुख शांति से बिता रहे हैं। यहाँ के लोग सिर्फ मरने के बाद ही ये आइलैंड छोड़कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है और इसीलिए उन्हें दूसरे आइलैंड पर ले जाके दफनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।